स्टूडेंट असल uh, ये जो है आप लोगों का क्लास सिक्स क्लास में हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए आपके पास क्या आता है द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगल शेप में हमारे पास एक फील्ड है इसको पर स्क्वायर इसको यानी ट्रैक्टर चलाया इस पर हम लोगों ने ठीक ट्रैक्टर चलाया अब पैंतीस रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इन लोगों ने रेट लिया उसके हिसाब से कीमत लगाई तो टोटल उस पूरे फील्ड को उस पूरे फील्ड को जोतने में हमारे पास कितना हमसे हम कितना पैसा लिया गया आ, हजार चार सौ इकहत्तर हजार चार सौ लिया अगर उस खेत का अगर उस जमीन का वित चालीस मीटर है तो लंबाई आप लोगों को निकालना है ठीक सबसे पहले हम हमसे ये पूछा गया है इसको हम लोग करेंगे ठीक कल्टीवेट एट द रेट ऑफ अब कल्टीवेट कितने का किया कल्टीवेट एट द रेट ऑफ थर्टी फाइव पर मीटर स्क्वायर पैंतीस रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इन लोगों ने कल्टीवेट किया खेत को ठीक टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पूरा खेत का कितना लिया उन लोगों ने कल्टीवेट किया जब कल्टीवेट किया उसके बाद कितना रेट लिया उन्होंने सात हजार एक सौ चालीस जो है टोटल रेट लिया अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देयर फोर टोटल एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू इसका फील्ड का एरिया यानी इन लोगों ने हमसे ये चीज दिया हुआ है, इस न, पैंतीस रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना रेट हुआ ये दिया हुआ है तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया जितना टोटल रेट उन लोगों ने लिया था टोटल रेट डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर का रेट थर्टी फाइव और इसको हम लोगों ने कैंसिलेशन किया तो हमारे पास दो यानी इस जमीन का एरिया मेरे पास कितना आता है आ, लेंथ जो है उन लोगों ने दिया हुआ है अब हमारे पास एरिया दो निकला अब लेंथ ब्रेथ इन लोगों ने एरिया हमने निकाल लिया ब्रेथ इन लोगों ने खुद दिया हुआ है कितना 40 मीटर लेंथ जो है हमें निकालने के लिए कहा है लेंथ कहाजक्ल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ में करूंगा ब्रेथ हमें मालूम है एरिया भी हमने निकाल लिया लेंथ लेजल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ यहां हमने कर लिया है. इज़ इक्वल टू एरिया हमारे पास दो हजार चालीस दो हजार चालीस एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ फोर्टी हमारे पास है फोर्टी को और इसको हमने कैंसिलेशन किया फोर्टी वन फोर्टी फोर्टी फिफ्टी वन टू जीरो फोर जीरो तो हमारे पास लेंथ कितना निकला देर फॉर लेंथ इज इक्वल टू फिफ्टी वन मीटर ठीक लेंथ हमने निकाल लिया एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट अब दूसरा क्वेश्चन इसमें इन लोगों ने क्या पूछा था ऑलसो फाइन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड अगर हम लोग इस फील्ड को फेंसिंग करेंगे पूरा फेंसिंग करेंगे कितना रुपीज पचास पर मीटर पचास रुपये पर मीटर के हिसाब से तो हमारे पास आ, हम लोग पहले क्या करेंगे इसका जो हमारे पास फील्ड है उस फील्ड का हम लोग पैरामीटर निकालेंगे पैरामीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों निकल गया अब कोस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इज्कल टू पचास रुपए पैरामीटर निकाला पैरामीटर ऑफ फील्ड इज टू लेंथ लेंथ ब्रैकेट प्लस ब्रेथ लेंथ हमारे पास प्लस ब्रेथ फोर्टी ब्रैकेट को सम कीजिए नाइनटी वन टू इंटू नाइनटी वन ब्रैकेट को ओपन कीजिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ टू इंटू नाइनटी वन वन हंड्रेड एटी टू मीटर यह आपके पास पैरामीटर आ गया पैरामीटर यानी पूरा फील्ड का जो है चारों तरफ का लंबाई यानी इस फील्ड का देखो रेक्टेंगुलर फील्ड का ये चारों तरफ का जो पूरा इसका लंबाई है ये आपके पास 182 मीटर आ गया अब 182 हमारे पास पूरे फील्ड का आ गया उसने कहा था पचास रुपए मीटर के हिसाब से कितना पड़ेगा तो हमारे पास जितना आया था 182 एटी टू इंटू पचास रुपए मीटर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 182 एटी टू इंटू फिफ्टी तो नाइन वन पूरे फील्ड को फेंसिंग करने के लिए आपके पास नौ हजार एक सौ जो है लग गया इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपके पास द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पांच सौ चालीस दिया हुआ है लेंथ 36 सेंटीमीटर फाइन विथ एंड पैरामीटर विथ भी निकालिए पैरामीटर भी निकालिए यह चीज इसने पूछा है तो एरिया हमारे पास जब हमारे पास एरिया है लेंथ है ब्रेथ निकालने हमारे पास एरिया दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है तो ब्रेथ निकालने के लिए हमारे पास सिंपल है ब्रेथ इजक्ल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ठीक तो सबसे पहले मैंने क्या किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इजक्वल टू 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है देर फॉर ब्रेथ इजक्ल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ एरिया पांच सौ चालीस डिवाइडेड बाई छत्तीस फिफ्टीजा फाइव फोर्टी ब्रेथ इज्कल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक लेंथ लेंथ दिया हुआ था 36 सिक्स ब्रेथ फिफ्टीन आया दोनों जो है डिफरेंट है तो हम लोग यहां से समझ गए कि ये जो है एक रेक्टेंगल है ठीक अब उसने कहा था आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे ब्रेथ निकालेंगे ब्रेथ हमने निकाला उसके बाद पैरामीटर निकालेंगे पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल तो हम लोग पैरामीटर का फार्मूला यूज करेंगे पैरामीटर इज कॉल्ड टू टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर इक्वल टू टू लेंथ थर्टी सिक्स ब्रेथ 15 वैल्यू पुट किया ब्रैकेट को सम किया फिफ्टी वन ब्रैकेट जब मैंने ओपन किया तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया टू फिफ्टी वन वन हंड्रेड टू सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर जो थर्टीन आता है आपके पास है मार्बल टाइल मेजर टाइल का जो लेंथ और वेथ दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर दोनों अलग है रेक्टेंगुलर शेप में है हाउ मेनी टाइल्स विल रिक्वायर्ड कवर ए वॉल एक दीवार को अगर हम लोगों को टाइल लगाना है दीवार का साइज है फोर मीटर बाई थ्री मीटर यहां पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं टाइल सेंटीमीटर में है और दीवार मीटर में है यानी दोनों वैल्यू अलग अलग है सेम करना पड़ेगा सबसे पहली चीज और अगर टाइल का कीमत रूपी बाईस रूपए पचास पैसा पर टाइल है एक टाइल का कीमत इतना है तो पूरे दीवार को कितना टाइल लगेगा वो और कीमत लगेगा वो चीज निकालना है सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ मार्बल इज इक्वल टू ट्व सेंटीमीटर ब्रेथ ऑफ मार्बल इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर अब एरिया अगर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मार्बल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर ये आ गया एरिया टाइल का लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू फोर मीटर ब्रेथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू थ्री मीटर एरिया ऑफ वॉल अगर निकालेंगे लेंथ इंटू थ्री एरियावल टू फोर थ्री ट्वेल्व मीटर स्क्वायर अब जो कि हमारे पास टाइल सेंटीमीटर में है और दीवार मीटर में है तो हम कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में वी नो दैट हम जानते हैं वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर 12 मीटर जो दीवार का एरिया था 12 मीटर इज कॉल्ड टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12 इंटू हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड अब कितने टाइल्स जो है टाइल का एरिया सॉरी नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड 1200 जो दीवार का एरिया है डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया तो 10 टाइल वन ट्वेंटी टेन टूल्व हंड्रेड तो टेन टाइल्स नीरथ दस टाइल हमें दीवार में चाहिए अब एक टाइल कीस्ट ऑफ वन टाइल इज टू कॉस्ट ऑफ वन टाइल टू बाईस रूपए पचास पैसा दिया हुआ था अब दस टाइल का कितना लगेगा दस टाइल कॉस्ट ऑफ टेन टाइल्स इज टू टेन इंटू टेन इंटू कॉस्ट ऑफ वन टाइल टेन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव जीरो टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रूपीज कॉस्ट ऑफ टेन टाइल्स ठीक है स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप लोग करेंगे